So hello guys, in this video we will learn to make a calculator. So let's get started. First you will make a folder named as easy calculator, then you will make a file in it called index.html. then you will write h1 class is equal to text center. So I will just go live and show it looks like till now. So here you can see it looks like this. So now here we will write the class of this. So we will write container underscore flex underscore flex call underscore item center mx auto underscore m w 20. Then we will write div dot row. Then we will write input input type text. Yes, then we will write the class. The class will be input. So we will just write input. Then we will write div dot row and button class button and here we will just write c% c and I will just copy paste control plus c control v. And you will write here first m minus here m plus here percent. Now same thing but a little different. Here we will write 7 7 8 9 and here we will write id is equal to exponents and here we will write multiply and I will just copy the id and then we will write here we will write divide here we will write minus and here a period. Here we will write here should be period and here should be 0 and here should be 1 sorry 3 1 3 2 1
and here 654654. Then here, okay, 10 minus. Okay, we have to do this once again. Control plus C. And here we will write. हम यहाँ पर लिखेंगे मल्टीप्लाई. यहाँ पर हम मल्टीप्लाई लिखेंगे. मल्टीप्लाई का जो साइन होता है वो लिखेंगे, लेकिन हमने मल्टीप्लाई लिख चुका है. हमें यहाँ पर मल्टीप्लाई, डिवाइड, प्लस एंड माइनस. प्लस बाकी है तो मल्टीप्लाई, डिवाइड. तो यहाँ पर मल्टीप्लाई. ओके, यहाँ पर इतना हो गया आपका. तो आपका HTML का लगभग सारा पार्ट खत्म हो चुका है. तो ये आपको शायद यहाँ से यहाँ लाना है. ओके, अब हमें लिखना है JavaScript. सो ये हटा देते, बाद में प्रॉब्लम लगेगा. ये तो यहाँ पर लिख देते हैं स्क्रिप्ट, एंड यहाँ पर लिख देते हैं स्क्रिप्ट का कोड. तो पहले हमें लिखना है लेट स्ट्रिंग. लेट स्ट्रिंग, लेट स्ट्रिंग इज इक्वल टू दिस, एंड लेट बटन्स, not button, it should be buttons, buttons is equal to document dot query select dot query selector all, and here we will write dot button or whatever you did the here the classes. So remember that you can remove this class to like I think that button is more better, but you can write here anything, any class you want, but remember to write here the class you have that you have mentioned, and everywhere that आपको जो जो ये आप आपने ये क्लास ली है वो आपको वहाँ वहाँ लगानी है जहाँ पर मैं बटन को, बटन नाम के क्लास को लगा रहा हूँ. जैसे यहाँ पर हम फिर लिखेंगे एरे डॉट फ्रॉम बटन्स. हाँ, यहाँ पर आपकी क्लास आएगी अगर आपने कोई और क्लास ली है तो. बटन्स नहीं, यहाँ पर क्लास नहीं आएगी, मैं बताऊँगा जब आपको यहाँ पर अलग क्लास चाहिए तो. फॉर ईच, यहाँ पर हमें दो चाहिए आई गेस. यहाँ पर हमें दो चाहिए, तो यहाँ पर हम बटन लिखिए बटन, और यहाँ पर हम इज इक्वल टू कहाँ है, इज इक्वल टू, और ये लिखेंगे इज इक्वल टू, और हम ये हटा दें. नहीं, ये सही है, ऐसे ही होना चाहिए. अब यहाँ पर हम लिखेंगे बटन डॉट एड इवेंट लिसनर. देन वी विल उसके बाद हम लिखेंगे क्लिक क्लिक क्लिक, और यहाँ पर ई, ये ऐसा नहीं आना चाहिए. यहाँ पर ये एंड हो रहा है, ये गलती से यहाँ लिख गया ई. उसके बाद ये यहाँ पर एक नया स्टार्ट होगा, तो यहाँ पर हम लिखेंगे इफ ई डॉट टारगेट इनर HTML, टारगेट डॉट इनर HTML. उसके बाद हम इज इक्वल टू, यहाँ पर हम इज इक्वल टू का साइन लगा देंगे. ये बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है. सो यहाँ पर फिर हम लिखेंगे स्ट्रिंग स्ट्रिंग इज इक्वल टू इवेल्यूएट. उसका हम शॉर्ट फॉर्म लिख सकते हैं इवेल,
तो eval लिखेंगे, उसके बाद यहाँ पर eval के इधर हमें एक string लानी होगी, तो eval की string is equal to not like this string, string actually ऐसे लिखते हैं, लेकिन यहाँ पर हमें string यहाँ पर ऐसे लिखनी है, इसे बताना है कि यह string है, eval is a string. Then यहाँ पर हम लिखेंगे document query selector all, यहाँ पर फाइव चीज सिलेक्टर और इनपुट 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 डॉट वैल्यू इज इक्वल टू स्ट्रिंग डॉट वैल्यू इज इक्वल टू स्ट्रिंग. उसके बाद हम इसको हटा देंगे, तो यहाँ पर एल्स एल्स अगर उस ये नहीं हुआ तो एल्स, यहाँ पर शायद हमें एल्स इफ लिखना था, हाँ यहाँ पर हमें एल्स इफ लिखना है, एल्स इफ, हाँ एल्स इफ, एल्स इफ, यहाँ पर हम यहाँ पर ये भी लिखेंगे एल्स इफ, एल्स इफ ई डॉट टारगेट, ई डॉट टारगेट, ई डॉट टारगेट डॉट इनर एच टी एम एल, ई डॉट टारगेट इनर एच टी एम एल इक्वल टू इज इक्वल टू सी, ये एक स्ट्रिंग है सी कैपिटल में. ओके नाउ यहाँ पर अब हम लिखेंगे स्ट्रिंग और हम ऐसे ही छोड़ देंगे बस स्ट्रिंग को, डबल कोट में, सिंगल कोट में नहीं डबल कोट में. डॉक्यूमेंट डॉट क्यूरी वही चीज़ है, बस कंट्रोल प्लस सी कंट्रोल प्लस वी, कोई चेंज तो नहीं है ना, हाँ वही चीज़ है. अब हमें लिखना है एल्स, एल्स कॉन्सोल डॉट लॉग, सॉरी कॉन्सोल डॉट लॉग, मैं आपको कॉन्सोल बताता हूँ क्या होता है, कॉन्सोल डॉट लॉग ई डॉट टारगेट, ई डॉट टारगेट string, sorry con, string is equal to string, string is equal to string plus e dot target, plus e dot target dot inner html, dot inner html. उसके बाद हमें लिखना है document dot query selector वही चीज. अब हमने ये फंक्शनैलिटी ऐड कर दिया, अब हम देखते हैं कैसा दिख रहा है. तो सेवन ओके, सो ओके ये वर्क नहीं कर रहा है शायद, यहाँ पर मैंने कि मैंने यहाँ पर गलती से यहाँ पर हमें बस क्यूरी सिलेक्टर लिखना है, नॉट ऑल, ऑल बस हमें लेट बटन से लिखना है, सॉरी फॉर गलती. तो हम ये ऑल हर जगह से हटा देंगे, तो अब ये शायद वर्क करना चाहिए. अब अगर हम जाएं रिफ्रेश करें तो 9 × 5 = 45. यू कैन सी हमने अब फंक्शनैलिटी ऐड कर चुकी है, तो अब हमें बस इसमें थोड़ी CSS ऐड करनी है सो दैट ये थोड़ा अच्छा लगे. सो पहली चीज़ हमें एक यहाँ पर लिखना है स्टाइल, स्टाइल एच टी एम एल बॉडी. उसके बाद हम लिखेंगे, सॉरी ये इस तरफ नहीं इस तरफ होना चाहिए, एक सेकेंड इसे ऐसे करना है, हाँ अब ठीक है. अब हम यहाँ पर लिखेंगे हाइट 100%, 100% विड्थ 100%, 100%. उसके बाद हम लिखेंगे फॉन्ट फैमिली, फॉन्ट फैमिली आई गेस रोबोटो, रोबोटो एक सेकेंड, अगर मैं कैपिटल रोबोटो यहाँ पर, फिर मेरे को यहाँ पर एक कॉमन लेना है सैंस सरिफ. उसके बाद हम बॉर्डर रेडियस को 20 कर देंगे थोड़ा अच्छा दिखाने के लिए, 20 पिक्सल. चलिए अब देखते हैं कैसा लग रहा है, अभी कोई लगभग कोई आपको चेंज नहीं दिख रहा होगा, चलिए कोई बात नहीं. अब हम इसके बाद हम लिखेंगे डॉट बटन,
यहाँ पर जो आपने क्लास ली है वो लिख दीजिएगा बटन में। तो अगर आपने मेरे को फॉलो किया तो आपने डॉट बटन ही लिखा होगा। तो ये चीज, और हमें विड्थ में 60 पिक्सल लिखना है। आप कुछ भी लिख सकते हैं लेकिन मेरे को 60 पिक्सल सूटेबल लगा। और पैडिंग में 20 पिक्सल, पैडिंग 20 पिक्सल, और मार्जिन 0.3, मार्जिन 0 and 3 pixels। और उसके बाद बॉर्डर रेडियस, बॉर्डर रेडियस, बॉर्डर रेडियस 9 pixels। और फिर कर्सर हमें पॉइंटर रखना, कर्सर हमें पॉइंट आया तो था ऑप्शन, कर्सर पॉइंटर। उसके बाद बैकग्राउंड कलर हम ब्लैक रखेंगे, बैकग्राउंड कलर हम ब्लैक रखेंगे। थोड़ा मैं इसे डार्क थीम देने की कोशिश कर रहा हूँ, आप कुछ और भी कर सकते हैं। और हम कलर इसका वाइट रखेंगे, कलर हम इसका वाइट रखेंगे। इसके बाद हमें रखना है हैशटैग एक्सपोनेंट्स, यहाँ पर जो हमने लिखा है एक्सपोनेंट्स, हैशटैग एक्सपोनेंट्स, एक्सपोनेंट्स। अब अगर हम देखें एक बार तो ये थोड़ा अच्छा लगने लगा है, ठीक है। तो अब अगर हम हैशटैग एक्सपोनेंट्स में कलर हम इनका वापस से लिख देते हैं, हम इसका वाइट रखेंगे। उसके यहाँ पर ये गलत हो सकता है, इसमें कलर लगा देता हूँ। और बैकग्राउंड कलर हम आरजीबी, यहाँ पर आरजीबी में हम 65 65 65 रखेंगे, 65 65 65, और यहाँ पर हम 65 रखेंगे। उसके बाद हमें यहाँ पर लिखना है बॉर्डर रेडियस है 35 पिक्सल, बॉर्डर रेडियस है 35 पिक्सल, हमें 35 पिक्सल रखना है ताकि ये थोड़ा गोल शेप्ड का दिखे, गोल। और हमें अगर आपने ठीक से देखा हो तो मैंने यहाँ पर मैंने एक्सपोनेंट लिखा है सिर्फ इज इक्वल टू के लिए। तो अब यहाँ पर अब हम एक बार देख लेते हैं अपने डॉक्यूमेंट को कि वो कैसा लग रहा है। देखिए अब ये थोड़ा गोलाकार का हो गया है और ये यहाँ पर थोड़ा एडजस्ट स्मूद हो गए हैं सबके। अब यहाँ पर हम लिखेंगे हैशटैग एक्सपोनेंट, एक्सपो, और मैंने कॉपी किया था पेस्ट। और यहाँ पर हम लिखेंगे बैकग्राउंड कलर आरजीबी, यहाँ पर हम लिखेंगे 1 2 2 1 2 2 2 0 4 2 0 4। ब्लू को मैं जस्ट, ब्लू हमें बस 0 रखना है। उसके बाद हमें यहाँ पर बॉर्डर रेडियस 30 पिक्सल यहाँ पर भी कर देना है, 30 पिक्सल। और डॉट रो में हमें डॉट रो, यहाँ पर मैंने एक यहाँ पर दिखाया, ये देखिए एक क्लास यहाँ पर रो है। तो डॉट रो में हमें बैकग्राउंड कलर ब्लैक कर देना पूरा ताकि ये फिल हो जाए। एक बार मैं दिखा देता हूँ बिना और उसके साथ, ये थोड़ा पता नहीं ऐसा क्यों हो गया, वो फिक्स कर दूंगा मैं। तो ये यहाँ पर अगर मैं रो का हटा दूँ, अगर मैं बस रो हटा दूँ तो ये ऐसा हो जाएगा, और रो में मैं वापस लगा दूँ तो ये ऐसा हो जाएगा, वो ठीक हो जाएगा, उसकी टेंशन मत लीजिए आप। उसके बाद हमें रो इनपुट में, यहाँ पर हमें रो लिखना है लेकिन इनपुट, यहाँ पर आप देखिए क्योंकि हमें यहाँ पर एक यहाँ पर सर्च बार टाइप एक लगा है चीज़, तो वो इनपुट है। तो रो इनपुट में हम लिखेंगे विड्थ 205 पिक्सल्स, सॉरी 295 पिक्सल्स। और फॉन्ट साइज आप छोड़िए, फॉन्ट साइज की कोई जरूरत तो नहीं है तो छोड़ ही दीजिए आप फॉन्ट साइज को। मार्जिन आप 0 रखिएगा, मार्जिन 0 पिक्सल। और पैडिंग आप 10 0, पैडिंग 10 पिक्सल, एंड यह 0 पिक्सल। और इसके बाद बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड ब्लैक, बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड ब्लैक। अब ये हो गया, अब हमें थोड़ी और सी एस एस लिखनी है। हमें यहाँ पर जो टेक्स्ट अंडरस्कोर सेंटर, एक सेकेंड मैं देख लेता हूँ मैंने कैसे लिखा है, एक सेकेंड, टेक्स्ट सेंटर, ठीक है यहाँ पर मैं ऐसा लिख देता हूँ, टेक्स्ट सेंटर में हम लिखेंगे टेक्स्ट अलाइन सेंटर। उसके बाद डॉट बीजी रेड में हम लिखेंगे, डॉट बीजी रेड में हम यहाँ पर लिखेंगे बैकग्राउंड
color red. Sorry, it should not be background color. Background होना चाहिए बस. Background और background color में थोड़े से difference होते हैं. एकदम minute. यहाँ पर हम .mx auto लिखेंगे. हम .mx auto लिखेंगे. Margin auto और dot flex लिखेंगे. Dot flex और यहाँ पर हम display flex कर देंगे इसका. Display flex. उसके बाद dot flex call लिखेंगे. Dot flex call. तो हम यहाँ पर flex direction column लिख देंगे. Flex direction column. और items center में हम items center में हम item center में हम align item center वापस लिख देंगे. अब यहाँ पर हम जाएं तो अगर हम यहाँ पर जाएं तो यहाँ पर हमें यहाँ पर हमें ऐसे एक सेकंड ये मैं ठीक कर दूँ एक बार. और ये item center MX auto और यहाँ पर W20. अब इसके बाद अगर आप देखो तो ये कैलकुलेटर आपको ऐसा दिख रहा है. अगर हम 9 × 9 करें तो 81 आ रहा है. 6 कर दे तो ये सब ये डेसिमल्स में भी रिजल्ट लाता है. तो थोड़ा सा मैं इसे बड़ा कर देता हूँ. शायद मैंने इसे थोड़ा सा छोटा किया है. रो एक सेकेंड ये छोटा ही नहीं बोला. हाँ ठीक है. तो डॉट रो में हमने जो किया है तो हम इसका विड्थ ये कितनी लगभग पिक्सल है 295 हम इसकी भी विड्थ रख देते हैं 295 पिक्सल. तो अब शायद इसे मिलेगा. हाँ ये पता नहीं एक दो पिक्सल से बड़ा है जबकि मैंने दोनों सेम ही लिखे हैं. इसको मैं थोड़ा फिर छोटा ही कर देता हूँ 294 3 2 1. हाँ अब सेम लग रहा है. हाँ तो आप देख सकते हो कि ये एकदम वर्किंग कैलकुलेटर है. तो ये चीज़ आप कर सकते हो. यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर डिवाइडेड बाय 2 कर दूँ तो ये इतना आ रहा है 7 × 9. तो ये सब आप कर सकते हो. इसकी एंडलेस पॉसिबिलिटीज़ है. आप इसमें और आर्ग्यूमेंट्स ऐड कर सकते हो. जैसे अगर मैं एंटर दबाऊँ तो आंसर आ जाए तो वगैरह वगैरह. तो वो आज की वीडियो में नहीं कर सकता. उन्हें मैं पहले ही वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है और लंबी हो जाएगी. हाँ मैं आपको एक और चीज़ बता देता हूँ कि अगर आप यहाँ पर अगर आप और जस्टिफाई कॉन्टेंट सेंटर कर देते हो और टेक्स्ट अलाइन भी सेंटर कर देते हो तो ये ज़्यादा सही लग रहा है. और यहाँ पर तो ये पता नहीं ये सेंटर में क्यों नहीं जा रहा है. आपके में हो जाएगा. तो क्या बोलते हैं आज की वीडियो में बस इतना ही. मिलते हैं आपके अगली वीडियो में. तब के लिए बाय बाय.